दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 9th क्लास की ध्वनि जो चैप्टर है दोस्तों, ध्वनि चैप्टर में से 11.1 जो क्रियाकलाप है वो मैं आपको करने जा रहा हूँ, ठीक है। और आपको करके दिखाया जाएगा। जैसे दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं इसका नाम है कंपमान स्वरित्र द्विभुज, ठीक है, क्योंकि दो भुज इसलिए बोला जाता है कंपमान स्वरित्र द्विभुज, और ये कंपन करेगी। उसके बाद ये दोस्तों ये ठोस चीज़ है, ठीक है, आप कोई से भी ठोस पदार्थ ले सकते हैं। उसके बाद ये खाली गिलास है दोस्तों, खाली गिलास देख सकते हैं, वो भी कांच का नहीं है, प्लास्टिक का है, ठीक है। अब ये कैसे ध्वनि उत्पन्न होती है आपको करके दिखाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप करके दिखाइए इसमें, ठीक है। तो आपको गिलास जो पकड़ना है दोस्तों, गिलास ये ध्यान रहे, ठीक है, गिलास कैसे पकड़ना है, गिलास बिल्कुल टाइट नहीं पकड़ना है, बिल्कुल ढीले पकड़ना है। फिर उसके बाद कंपमान वस्तु उठानी है और रबड़ पे मारनी है तेज़ी से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, एक बार और, ठीक है, एक बार और कस के। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने एक ध्वनि उत्पन्न करके दिखाया। चलिए ये तो वो दोस्तों जब ये गिलास दोस्तों खाली है तो आपने देखा किस तरीके की ध्वनि उत्पन्न होती है। अब इस गिलास में पानी भरा जाएगा। मेरे पास एक गिलास की बोतल है, ठीक है, और इस गिलास की बोतल में आपको क्या करना है, ठीक है, पानी का बोतल है और इस पानी की बोतल का जो कुछ पानी है इसको आपको भरना है और वो भी पूरा भरना है। अब इसको दो तरीके से हम इसमें ध्वनि उत्पन्न करके देखेंगे और देखते हैं दोनों ध्वनि में क्या होता है। उससे पहले इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आप पानी इसमें डालिए, इसी तरीके से पानी आप भर लेंगे, ठीक है, पूरा, ठीक है। और वो जो एक्टिविटीज हमने करा थे दोस्तों उसको दोबारा फिर दोहराते हैं, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद मारी तेज़ी से, ठीक है, तो आप देख रहे हैं, ठीक है, एक बार और, ठीक है। जब इस कॉर्क को यानी कि जब आप देख रहे हैं कि जिसका नाम, ठीक है, जिसका नाम है कंपमान स्वरित्र द्विभुज, जब इसको मारा जा रहा है फिर उसके बाद गिलास में जब डाला जा रहा है तो कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं हो रही है, ठीक है। एक बार और करके देखिए इसके किनारे पे, कंपन करके दिखाएंगे, ठीक है, आप कंपन करके दिखाइए और कस के एक बार और, बहुत ही ध्यान से आप देखिए, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिए आप, ठीक है। आप बिल्कुल प्लेस कॉर्क को देखिए, ठीक है दोस्तों, ठीक है, रबड़ को। उसके बाद ये आप ये जो देख रहे द्विभुज, इस द्विभुज को देखिए आप, ठीक, कस के मारिए, ठीक है, ठीक है, और एक बार और कस की, ठीक है। तो आपने देखा, ठीक है, आपने देखा कि जब इस द्विभुज को जब कंपन करके यानी कि इस पर मार के जब गिलास के अंदर पानी जो भरा हुआ उसमें डाला जाता है तो कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन जब उसके किनारे पर मारा जाता है यानी कि टच किया जाता है तो ध्वनि उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि ये कांपड़ी है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है दोस्तों कि कोई भी ठोस होगी, ठीक है, कोई भी ठोस पदार्थ से ध्वनि उत्पन्न हो सकती है अगर वो वस्तु कंपन कर रही है तो, ठीक है। लेकिन अगर द्रव में, ठीक है, द्रव की मैं बात करूँ दोस्तों तो द्रव में ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है, ये बात होगी दोस्तों, क्लियर हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए दोस्तों, अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए चैनल को और वीडियो को, ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ओके, नमस्ते, बाय।